समझ रही हो तुम? उस बिचारे को लगा हुआ कि वो ऋषि को अपना नहीं बना सकी, पर घर में बाकी लोग हैं, बाकी रिश्ते हैं, गलत लोगों से प्यार किया उसने लीला। पहले से बिचारी टूटी हुई थी, बिखरी हुई थी, आज तुमने उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। एक मिनट, हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप ही चाहते थे ना कि हम उसे सब कुछ सच सच बता दे जाकर, आप कसूरवार ठहरा रहे हैं। आप चाहते थे या नहीं कि हम सच बताएं? इस तरह नहीं चाहता था मैं, नॉट एट ऑल। यू कांट ट्रीट अ लिविंग पर्सन लाइक दिस लीला। वो एक जीती जागती इंसान है, भावनाएं हैं। और हमारी, हमारा बेटा, हम उस लक्ष्मी के लिए लड़ रहे हैं, उनसे ये जानते हुए कि उस घर में क्या हुआ हमारे साथ, ये जानते हुए कि इंसल्ट किया उसने हमें। करिश्मा बताओ इन्हें, बताओ कि क्या क्या सहा हमने उस घर में वहां। आई वॉज बेगिंग, हम ऐसे उससे भीख मांग रहे थे और वो नहीं आई। नीला, कम ऑन, भीख मांगी तुमने? तुमने, मुझे पता है तुम कैसे भीख मांगती हो। भीख मांगती हो, शट अप, कोई कुछ नहीं बोलेगा। भीख तो मांगती हो, पर ऐसे जैसे भीख दे रही हो। आई नो योर स्टाइल ऑफ बेगिंग मिसेस नीलम ओबेरॉय, आई नो योर स्टाइल। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारी बातों में आकर वो हमारे घर में आने के लिए तैयार नहीं हुई, कि तुम तुम्हारी जैसी औरत उसे लालची साबित कर देती। जानते हैं ना किससे बात कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, जानते हैं आप? मैं जानता हूँ, मैं तुमको भी अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरी बच्ची को अच्छी तरह से जानता हूँ, बाबूजी हूँ उसका मैं, उसके संस्कार जानता हूँ, उसका चरित्र जानता हूँ। अरे तो तुमने उसकी कुंडली देखकर मुझे कहा था ना कि उसकी शादी ऋषि से करवा दो। मैं बिना उसकी कुंडली देख के उसके सामने गिड़गिड़ाता, भीख मांगता उससे कि मेरे बेटे से शादी कर ले। एक्चुअली आप ना हमें डिजर्व नहीं करते, ऐसे पति हैं आप, कैसे पिता है। उस लक्ष्मी के सामने कुछ और नजर ही नहीं आता आपको। आएंगी भी नहीं नीलम, ये उसके प्यार में अंधे हो गए हैं और उसे सचमुच अपनी बेटी मानने लगे हैं, जबकि वो है नहीं। सो यू प्लीज काम डाउन, जस्ट रिलैक्स। एक्सक्यूज मी, मेरे और लक्ष्मी के बारे में क्या जानती हैं आप? कुंडली देख कर नहीं बनाया ये रिश्ता, खून का भी रिश्ता नहीं हमारा। पर क्या जरूरी है कि लक्ष्मी ने हमारे घर में जन्म लिया तभी मैं उसको बेटी कह सकता हूँ? है जरूरी? दिल का रिश्ता है हमारा, मैंने बेटी माना है उसे, बेटी है वो मेरी और रहेगी यार मेरी आखिरी सांस तक। जुड़ी है मुझसे वो, मेरे रोम रोम में बसती है। उसके दिल में चोट लगती है तो उसके बाबूजी के यहाँ दिल में दर्द होता है।